हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 14th ऑफ जनवरी 2023 के वीकेंड टॉपिक डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे डीप फेक के बारे में। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आज द हिंदू में एक बड़ा आर्टिकल आया भी है, जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन है, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है और उसमें काफी चीजें इस चीज को लेकर के एक्सप्लेन की गई हैं। साथ ही साथ ऐसे पहले भी कई आर्टिकल्स आ चुके हैं जो डीप फेक की चैलेंजेस को हाईलाइट करते हैं, उससे आने वाली समस्याओं के बारे में बताते हैं। और उसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि प्रेजेंट टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भी एक एक तरह का डिस्कशन चल रहा है, जो बिजनेस बिजनेस के एस्पेक्ट से, टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से, सोशल इम्पैक्ट के एस्पेक्ट से कई चीजें हमें बताता है, जिसमें चैट जीपीटी के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी। सो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट है, उसके बारे में भी एक डिस्कशन चल रहा है। तो अगर आप ध्यान देंगे कि जो डीप फेक है वो एक आने वाले चैलेंजेस में से एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए साबित हो सकता है, तो उसके बारे में आज हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हम मिलके समझेंगे कि व्हाट ऑल वी नीड टू नो अबाउट डीप फेक एंड व्हाट इज डीप फेक। तो शुरू करते हैं हमारे आज के इंडेक्स से, जिसमें हम समझेंगे कि व्हाट इज डीप फेक, पहले ये समझेंगे, उसके बाद विक्टिम्स कौन कौन से हो सकते हैं जो इस इंटेलिजेंस के सबसे बड़े विक्टिम है या प्रायोरिटी पे विक्टिम रह सकते हैं, और किनको ज्यादा ये इम्पैक्ट कर रहा है या कर सकता है। साथ ही क्या रीसेंट प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक्सपैंड कर रहे हैं, न्यूज आ रहे हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स से, वेबसाइट्स पे न्यूज आ रहे हैं, और उसके साथ ही साथ स्टेप्स टेकन बाय अदर कंट्रीज जो लिए हैं, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या हमारे पास अवेलेबल लॉ या नियम या कानून है इससे बचने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, और क्या बन सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास और कौन से लेजिस्लेशन है और कौन से नियम कायदे कानून है जो बनाने की आवश्यकता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम साथ में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाह रही हूँ। अगर इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें तो इसमें जो जो पिक्चर को चेंज किया गया है, एक्चुअली द रियल टॉम क्रूज पिक्चर ये है और ये फेक है, बट आज तक जो पिक्चर आप अगर देखें, एक रेफरेंस इस आर्टिकल में दिया गया है जिसकी बात मैं कर रही हूँ, ये पिक्चर काफी समय से मार्केट में फैला हुआ था, और जिन्होंने आज तक टॉम क्रूज को देखा नहीं है वो ये समझते हैं कि टॉम क्रूज की शक्ल ये नहीं है, ये वाली शक्ल है, पर अगर जिन लोगों ने उनकी मूवीज को फॉलो किया है वो फर्क समझ सकते हैं। तो आप देखिए ये जो इम्पैक्ट है, डीप फेक का इम्पैक्ट है, मतलब आपकी जो रियल पिक्चर को मॉर्फ कर देना या चेंज कर देना, डीप फेक का पहला सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद आप इस पिक्चर में, इन पिक्चर्स को देखिए, जिसमें पहली ये पिक्चर मोनालिसा की है, उसके बाद ये और ये पिक्चर ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, और साथ ही साथ जो बाकी की पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये सारी पिक्चर्स आपको डीप फेक की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए चेंज की गई हैं, जिसमें रियल पिक्चर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप देखें इस पिक्चर को और इस पिक्चर को आप देखें, तो उसको आपको ध्यान से देखने में कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी, बट अगर दूर से देखें और ज्यादा ध्यान ना दें तो रियल पिक्चर और डीप फेक के पिक्चर में कोई ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आएगा। उसके साथ जो मैं यह स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, दिए द गार्डियन न्यूज़पेपर की वेबसाइट से लिया गया है, जहां पर अभी आज ही एक बहुत बड़ा आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसमें डीप फेक के बारे में काफी चीजें मेंशन की गई है। यूएस इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसको लेकर के, क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं और कैसे ये सोशल मीडिया को और इंटरनेट को इम्पैक्ट करता है, उसके बारे में एक बड़ा आर्टिकल है, आप गो थ्रू कर सकते हैं, और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए शेयर करने के लिए भी ली है। और 13th ऑफ जनवरी का ये जो पब्लिशिंग पेज है, इसमें से काफी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप का एग्जाम्पल वहां पर दिया गया है, उसके बाद मार्क जुकरबर्ग के बारे में भी कुछ बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बराक ओबामा को इस बात के लिए पिन पॉइंट किया जा रहा था कि उन्होंने उनके लिए कोई चीज, कोई वर्ड यूज किया है जो उनके द्वारा नहीं कहा गया था, और डीप फेक की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसको मॉर्फ किया गया या उसको इंसिडेंस, उसको डिसीव किया गया, मैनिपुलेट किया गया इन्फॉर्मेशन को, जबकि बराक ओबामा ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उसी तरह मार्क जुकरबर्ग का भी नाम उसी में बताया जाता है कि जिन्होंने कहा ही नहीं, उसको चेंज करके सोशल मीडिया पे उछाला गया था। तो ये इस आर्टिकल में आपको इसके बारे में काफी चीजें मिल जाएंगी। नाउ आगे देखते हैं वो न्यूज जिसके बाद, जो मुझे
एक वेबसाइट है बिजनेस इनसाइडर, उसका स्क्रीनशॉट है और उसका 11th of August का जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है उनकी वेबसाइट से, उसमें भी उसी न्यूज का रेफरेंस है जहां पर डीप फेक वीडियो बनाया गया था फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग का, जिसमें उनके चेहरे को चेंज करके कुछ चीजें कही गई थी जो रियल में उन्होंने कही नहीं थी इनफैक्ट, और उनकी वॉइस को भी चेंज किया गया था। तो ये नुकसान है जो रियल आर्टिकल्स में आपको दिखा रही हूँ कि डीप फेक की टेक्नोलॉजी के कितने बड़े बड़े इम्पैक्ट है, जब इतने रेनाउंड लोगों के ऊपर ये किया जा सकता है, उनकी उनकी आवाज को बदलना, उनके चेहरे को बदला जा सकता है, तो ये टेक्नोलॉजी और क्या क्या कर सकती है। यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग साथ में पढ़ लेते हैं। डीप फेक्स यूज डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिप्लेस द लाइकलीनेस लाइकनेस ऑफ वन पर्सन विद अनदर इन वीडियो एंड अदर डिजिटल मीडिया, मतलब आपकी आवाज को बदलना, आपके चेहरे को बदलना और आपके सिग्नेचर को बदल सकते हैं, कोई भी चीज चेंज करके प्रेजेंट की जा सकती है। तो ये जो वेबसाइट, ये जो स्क्रीनशॉट मुझे बिजनेस इनसाइडर की वेबसाइट से मिला है और ये स्क्रीनशॉट द गार्डियन की वेबसाइट से मिला है, इसमें मेंशन भी है यहाँ पर। अच्छा, अब देखते हैं जो जिस आर्टिकल के बारे में आज मैं ऑलरेडी अपने डेली न्यूज एनालिसिस में डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, वो आर्टिकल ये है जिसमें विवेक देबरॉय और आदित्य सिन्हा ने आर्टिकल लिखा है, और विवेक देबरॉय जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन हैं और आदित्य सिन्हा एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी हैं पॉलिसी एंड रिसर्च की, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। उन्होंने काफी डिटेल में इसको समझाया है कि उसके इश्यूज क्या क्या हैं, उससे क्या क्या प्रेजेंट में इशू क्रिएट किए गए हैं, किए जा रहे हैं, और हमें किस लेवल पे लेजिस्लेशन बनाने की आवश्यकता है। आप इसे द हिंदू की वेबसाइट से लेकर के उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल में उन्होंने शुरुआत करी है अपनी बात की इस रेफरेंस से, जिसमें उन्होंने एक बुक का रेफरेंस दिया है जिसका नाम है विलियम गोल्डिंग, विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में, इसको नोबेल प्राइज मिल चुका है लिटरेचर में, और उसका नाम है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इसमें मेंशन किया है द बुक इलस्ट्रेट्स, बताती है, एग्जांपल देती है द सिग्निफिकेंस ऑफ रूल्स एंड द नेगेटिव आउटकम्स दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम देयर एब्सेंस, मतलब अगर किसी व्यवस्था में, एग्जाम्पल देती है कि सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है रूल्स और रेगुलेशन का, और उसके नेगेटिव आउटकम का अगर वहां पे कोई नियम नहीं है तो नियम के एब्सेंस में क्या चीजें नेगेटिवली हो सकती हैं उसके बारे में किताब बताती है। इफ नथिंग एल्स इज अ गवर्नेंस, अगर कुछ और गवर्नेंस की तरह यूज नहीं हो सकता, गवर्नेंस गवर्नेंस लेसन फॉर गवर्नमेंट्स एंड रेगुलेटर। तो वे कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर नियम कायदे कानून अपनी जगह पे नहीं है, एब्सेंस है, तो उसके नेगेटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं। साथ ही साथ इट डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ सेल्फ रेगुलेशन और नो रेगुलेशन कैन बी डिजास्टरस एट टाइम्स, मतलब सेल्फ रेगुलेशन का मतलब स्वतः अपने आप को रेगुलेट करना, और नो रेगुलेशन और कोई रेगुलेशन ना होने की स्थिति में कितना डिजास्टरस हो सकती है कोई चीज, उसके बारे में बता रहे हैं। दिस लेसन इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन इन इंडिया, मतलब कह रहे हैं कि हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कोई रेगुलेशन नहीं है, और जो भी है वो सेल्फ रेगुलेटरी है, मतलब स्वतः अपने आप को रेगुलेट आप करिए, उसके बारे में है, जो एक घातक परिणाम दे सकती है, क्योंकि इस केस में डेफिनेटली लोगों के सामने बहुत सारे एवेन्यूज हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां करने के, तो नियम बनाने जरूरी है, ये इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं। नाउ आप कुछ न्यूज देखते हैं जो रिसेंट टाइम में फेमस हुई या फिर ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हैं, जिससे हमको पता चलता है कि क्या चीजें हो रही हैं डीप फेक के माध्यम से। सबसे पहले सीईओ ऑफ अ यूके, एक इंसिडेंट हुआ है कि जो ट्रिक किया गया उनको, सीईओ ऑफ अ यूके एनर्जी कंपनी ओवर द फोन इनटू बिलीविंग ही वाज स्पीकिंग विद द हेड ऑफ द जर्मन पेरेंट कंपनी, उनको जिसने उनको फोन किया या जिनकी आवाज को बदल करके उनको फोन किया गया, वो जर्मन पेरेंट कंपनी के ओनर थे, और उनकी आवाज के रिजल्ट के तहत उन्होंने ये समझ लिया कि वो उनके ओनर बात कर रहे हैं, और उन्होंने लार्ज सम ऑफ मनी, कम से कम 2,20,000,000 pounds का अमाउंट उनको ट्रांसफर कर दिया, सॉरी दिस इज यूरो, यूरो का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया टू व्हाट ही थॉट वाज अ सप्लायर, और सप्लायर समझ करके उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया अमाउंट, जबकि वो सप्लायर था ही नहीं, इनफैक्ट वो जर्मन कंपनी का ओनर था ही नहीं। तो मतलब एक रॉन्ग ट्रांजेक्शन किया गया आवाज बदल के, ये डीप फेक का सबसे बड़ा अभी तक का मुझे लग रहा है कि स्कैम या फ्रॉड कह सकते हैं। द ऑडियो ऑफ द डीप फेक इफेक्टिवली मिमिक्ड द वॉइस ऑफ सीईओ'स बॉस इंक्लूडिंग हिज जर्मन एक्सेंट, उनके जर्मन एक्सेंट में उसके सीईओ के जो उनके जो बॉस थे जिस कंपनी की बात हो रही है उसको डीप फेक किया गया, मिमिक किया गया, और इस तरह का ट्रांजेक्शन कराया गया। दूसरा एग्जाम्पल हमें मिलता है जो अभी प्रेजेंट में 2022 लास्ट ईयर की बात है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की की आवाज बदल के, सॉरी जेलेंस्की ने ये बात रिवील करी दैट अ वीडियो पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया इन विच ही अपीयर टू बी इंस्ट्रक्टिंग यूक्रेनियन सोल्जर्स टू सरेंडर
मतलब जो एक वीडियो पोस्ट हुआ था 2022 में, जिसको मैंने देखा तो नहीं, सुना है इस वीडियो के बारे में, जिसमें उनको कहा जा रहा है कि वो खुद कह रहे हैं अपने सोल्जर्स को कि सरेंडर कर दे रशियन फोर्सेस के आगे, वो भी एक डी फेक था, ऐसा नहीं हुआ था। सिमिलरली इन इंडिया डी फेक्स कुड बी यूज टू प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी मटेरियल, मतलब अगर ऐसा उस देश में हो रहा है तो इंडिया में भी इसका फायदा उठा करके कोई इस तरीके खतरनाक मटेरियल स्प्रेड किया जा सकता है। और जैसे कि वीडियोज बनाई जा सकती है आर्म फोर्सेस और पुलिस के लिए क्राइम्स के लिए कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जा सकता है, दीज डी फेक्स कुड बी यूज टू रेडिकलाइज, ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो डी फेक्स के द्वारा हुए हैं और ये इंसिडेंसेस न्यूज में आए हैं जो एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं कि डी फेक्स के माध्यम से क्या क्या किया जाने की पॉसिबिलिटी है और हो रहा है। अब आते हैं कि एक्चुअली डी फेक है क्या। डी फेक्स लिवरेज पावरफुल टेक्निक्स फ्रॉम मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टू मैनिपुलेट और जनरेट विजुअल एंड ऑडियो कॉन्टेंट विद अ हाई पोटेंशियल टू डिसीव, ध्यान दीजिएगा, डिसीव मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के माध्यम के वजह के टारगेट से जो लिवरेज उठाता है किसका, पावरफुल टेक्निक्स का, ध्यान दीजिएगा, पावरफुल टेक्निक्स किसकी, मशीन की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अगर आपको याद होगा कुछ समय पहले ChatGPT की बात अभी भी चल रही है, खैर ChatGPT कैसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, ध्यान दीजिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उस हिसाब से वो आउटपुट देगा, वो प्रोड्यूस कर सकता है, उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि जो आप बोलेंगे वो प्रोड्यूस कर सकता है। ये AI का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर आप कहेंगे कि स्क्रिप्ट लिखिए 4 पन्ने की तो स्क्रिप्ट लिख देगा, अगर आप बोलिए कि नहीं मुझे 50 पन्ने की किताब लिखनी है, 100 पन्ने की बुक लिखनी है, वो लिख देगा। तो उसकी कैपेसिटी इतनी बढ़िया है कि वो कोई भी चीज ओरिजिनली प्रोड्यूस रखने करने की कैपेसिटी रखता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे ये उठ रहा था कि क्या ChatGPT ह्यूमन बीइंग या हम सबको ओवरराइड कर सकता है, क्या वो इंसानों की जगह ले सकता है। ये प्रेजेंट में एक हमारे लिए थ्रेट है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इतना कुछ कर सकता है तो बाकी चीजों को भी वो ओवरराइड कर सकता है, सभी प्रोफेशंस को खत्म कर सकता है। तो जो डीप फेक है वो AI के माध्यम से, मतलब AI की हेल्प लेते हुए, मशीन लर्निंग की हेल्प लेते हुए मैनिपुलेट और टू मैनिपुलेट और इन सबकी हेल्प लेकर के मैनिपुलेट कर सकता है, जनरेट कर सकता है विजुअल्स को, ऑडियोज को और कॉन्टेंट विद द हाई पोटेंशियल टू डिसीव। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जो रियल पिक्चर है वो ये है, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने टॉम क्रूज को मैंने भी डायरेक्टली कभी नहीं देखा है, पर जो ये पिक्चर ये इन्होंने रिप्लेस कर दी है, ओरिजिनल ये नहीं है, ओरिजिनल ये पिक्चर है, पर रिप्लेस करके दिखा रहे हैं कि देखिए हमने डीफेक करके क्या पिक्चर बनाई है, बट रियलिटी में जो टॉम क्रूज की पिक्चर है वो ये है और डीफेक पिक्चर ये है ही नहीं, ओरिजिनल में ये ऐसा उनका फेस नहीं दिखता है। तो वो ये तो एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, गलत पिक्चर दिखाई जा रही है, बट द पॉइंट इज दिस कि मेनी ऑफ अस हैव लाइकली एनकाउंटर्ड अ हाई कन्विंसिंग डी फेक ऑफ टॉम क्रूज, इसका एग्जाम्पल भी है, दैट सीम्ड मोर लाइक टॉम क्रूज देन द रियल टॉम क्रूज। अगर जिसने रियल में टॉम क्रूज को नहीं देखा है वो इन दोनों ही पिक्चर में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन है, तो ये कभी आपने देखा नहीं है, लेकिन उनके हवाले से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाई जा सकती है पूरी दुनिया में जो उन्होंने कराई नहीं, क्योंकि किसी ने, क्योंकि वो खुद नहीं क्लेम कर रहे हैं कि ये पिक्चर मेरी है कि नहीं है, पर आप देख के यही कहेंगे अच्छा ये पिक्चर टॉम क्रूज की है, ओके दैट्स फाइन, क्योंकि आपने, आपको रियल डिफरेंशिएशन नहीं पता, बट ये तो एक एक्टर की बात हो रही है। सपोज करें कोई बात, डोनाल्ड ट्रंप के नाम से भी एक पिक्चर फेमस हुई थी जो डोनाल्ड ट्रंप थे ही नहीं, उस केस में बराक ओबामा को भी टारगेट किया गया। तो डी फेक के बड़े नुकसान है कि आपके चेहरे को चेंज कर देना, आपकी आवाज को चेंज कर देना, और वो किसके किसके एफर्ट से होता है, AI की हेल्प से करते हैं और मशीन लर्निंग की हेल्प से ये इसको अंजाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ इसका ओरिजिन कब हुआ था, इसका ओरिजिन 2017 में हुआ व्हेन एन एनोनिमस रेडिट यूजर एक ऐप है, उसके यूजर ने उसको डी फेक बोला, क्योंकि जो रेडिट एक एप्लीकेशन है, जैसे हमारे सोशल मीडिया पे एक एप्लीकेशन है वैसे रेडिट भी एक एप्लीकेशन है, तो उसमें एक यूजर ने इसको डी फेक बोला। दिस यूजर मैनिपुलेटेड गूगल्स ओपन सोर्स, गूगल का जो एक ओपन सोर्स डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी है उसको मैनिपुलेट किया और कुछ पोर्नोग्राफिक वीडियोज बनाए थे, जिसकी वजह से इसका टर्म 2017 में डी फेक पड़ा। नाउ व्हाट आर डी फेक्स, यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दी हुई है दोबारा से, डी फेक्स आर डिजिटल मीडिया वीडियो ऑडियो एंड इमेजेस एडिटेड एंड मैनिपुलेटेड, समझ गए हम कि वीडियो को ऑडियो को इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे मॉर्फ, जो फोटो मॉर्फ होती है, तो हाँ जी वीडियो जो आपकी वीडियो मॉर्फ होती है, फोटोज मॉर्फ होती है, ऑडियो मॉर्फ होती है, वो सब AI की फैसिलिटी से ही होता है, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही मदद से होता है, तो वो सारी चीजें डीफेक कहलाती है।
इट इज बेसिकली हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फॉल्सिफिकेशन, बहुत ही बढ़िया डिजिटल फॉल्सिफिकेशन है किसी का चेहरा बदल के दिखाने में और किसी सिंथेटिक फैब्रिक मतलब फैब्रिकेटेड डेटा को बनाने के लिए इनका फायदा होता है। तो इसको समझ सकते हैं कि अगर किसी देश के लिए इसको यूज किया जाए, किसी देश के अगेंस्ट इसको यूज किया जाए तो कितना घातक साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब इसके विक्टिम कौन कौन से हो सकते हैं, या विक्टिम कौन हो सकते हैं इसको यूज करने के बाद। द फर्स्ट केस ऑफ मलिशियस यूज ऑफ डीप फेक वॉज डिटेक्टेड इन पोर्नोग्राफी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल पोर्नोग्राफी का है। अकॉर्डिंग टू सेंसिटिविटी डॉट ए आई, एक वेबसाइट की डॉट ए आई के वेबसाइट या इसके वेब पेज के रेफरेंस का नाम दिया हुआ है, 96% ऑफ डीप फेक्स आर पोर्नोग्राफिक वीडियोज। इसमें सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफिक वीडियोज बनाई जाती है, विद ओवर 35 मिलियन व्यूज ऑन पोर्नोग्राफिक वेबसाइट अलोन। डीप फेक पोर्नोग्राफी एक्सक्लूसिवली टारगेट वुमेन और महिलाओं को टारगेट किया जाता है। पोर्नोग्राफिक डीप फेक्स कैन थ्रेटन, इंटिमिडेट एंड इन्फ्लिक्ट साइकोलॉजिकल हार्म। इट रिड्यूसेस वुमेन टू सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स कॉजिंग इमोशनल डिस्ट्रेस। तो महिलाओं के साथ साथ इसे फाइनेंशियल लॉस और कोलेटरल कॉन्सिक्वेंसेज लाइक जॉब लॉस की भी चीजें यहाँ पे आती हैं। सपोज आपकी चेहरे को मॉर्फ करके आपको ब्लैकमेल किया जाए या फिर आपको टारगेट किया जाए कि आपकी जॉब में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर दिया जाए जो आपके अगेंस्ट हो, तो उस तरह की चीजों में यहाँ विक्टिम ऐसे हो सकते हैं। फिलहाल इस डेटा के हिसाब से महिलाओं को टारगेट किया गया, और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग इन सब बातों से अवेयर हैं, इसलिए वो सोच समझ के डेटा को शेयर करते हैं। तो हमारी सरकार के लिए जरूरी है कि वो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाए या टेक्नोलॉजी या लॉ बनाए जिससे लोगों को नुकसान कम हो। अच्छा, अब समझते हैं कि इसके और क्या मिसयूजेस हो सकते हैं। डीफेक टेक्नोलॉजी इज नाउ बीइंग यूज्ड फॉर नेफेरियस पर्पजेज लाइक स्कैम्स एंड हॉक्सेस। मैंने कहा ना, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, इसका एवेन्यू बहुत बड़ा है। नाउ स्कैम्स एंड हॉक्सेस, मतलब कि हॉक्स का मतलब आवाज बदल के किसी को थ्रेट करना, स्कैम करना, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी मतलब चेहरा बदल के किसी और का शरीर, किसी और की शक्ल, इलेक्शन मैनिपुलेशन, ये भी अभी अभी न्यूज में आ रहा था कि आया है कि आर्टिकल में बताया गया कि ताइवान में चाइना ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है जहां भी इलेक्शन को मैनिपुलेट करना, सोशल इंजीनियरिंग, ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन अटैक्स, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, ये सब सारी चीजें डीफेक्स के माध्यम से हो सकती हैं या सहायता से हो सकती हैं। नाउ डीफेक टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड टू इम्पर्सोनेट नोटेबल पर्सनालिटीज लाइक यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और एंड इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो कह रहे हैं यूज हुई है उनके चीजों को इम्पर्सोनेट करने के लिए या फिर उनके उनके चेहरे को चेंज करके कुछ चीजें बनाई गई हैं जो रियल में नहीं थी। ये सब डीफेक की टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा अभी कि यूएस के जो प्रेसिडेंट रहे बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप, उनके चेहरे को चेंज करके कुछ चीजें बनाई गई, उनकी आवाज को कैप्चर करके कुछ चीजें बनाई गई जो सोशल मीडिया पे हैं, और वो एग्जाम्पल सेट करती हैं कि आगे ऐसी चीजें और भी हो सकती हैं जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके हवाले से। नाउ अब डीफेक्स कैन बी यूज, ये इस आर्टिकल का एक हिस्सा है जो मैं आपको पढ़ के समझा रही हूँ। डीफेक्स कैन बी यूज टू इन्फ्लुएंस इलेक्शंस। रिसेंटली ताइवान्स कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट टू इलेक्शन लॉ टू पनिश द शेयर ऑफ डीफेक्स वीडियोज और इमेजेस। अभी ताइवान ने ये अमेंडमेंट किया है, और क्योंकि ये इलेक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है, ताइवान इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली कंसर्न दैट चाइना इज स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड मैनिपुलेट इलेक्शन आउटकम्स, एंड दिस कंसर्न हैज टू लीड टू अमेंडमेंट्स। क्योंकि चाइना वहां पे कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली चाइना का जो चाइना चाहता है कि ताइवान को वो जल्दी जल्दी अपने एरिया में कवर करे, तो वहां के इलेक्शंस को में वो मैनिपुलेशन कर रहा है। ताइवान ने डीप फेक्स को लेकर के एक अमेंडमेंट लाया है या रूल पास किया है। दिस कुड हैपन इन इंडियाज अपकमिंग जनरल इलेक्शन टू, और ये कह रहे हैं कि ये हमारे इलेक्शन जो आने वाले हैं उसमें भी हो सकता है। आयरोनिकली चाइना इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विच हैज इंट्रोड्यूस रेगुलेशन प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ डीप फेक्स डीम्ड हार्मफुल टू नेशनल सिक्योरिटी और द इकोनॉमी। और कह रहे हैं कि चाइना ही उन देशों में से एक है विच हैज इंट्रोड्यूस रेगुलेशन, जिसने रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस किया है प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ डीप फेक्स डीम्ड हार्मफुल टू नेशनल सिक्योरिटी, और उन्होंने भी एक रेगुलेशन पास किया है, उन देशों में से एक है चाइना। दीज रूल्स अप्लाई टू कंटेंट क्रिएटर्स हु ऑल्टर फेशियल एंड वॉइस डेटा एंड केम इनटू इफेक्ट ऑफ जनवरी 10, 2023। और ये जो नियम है उन सबके लिए है जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं जो चेहरा बदल के या आवाज बदल करके चीजों को सामने लाते हैं, उनके लिए लागू होता है। ये चाइना ने रूल बनाया है और ताइवान ने भी ऐसा नियम बनाया है। नाउ कुछ इश्यूज और हैं डीफेक्स के साथ। व्हाइल अप्रिशिएटिंग द टेक्नोलॉजी वी शुड बी अवेयर ऑफ सीरियस इश्यूज विद डीफेक्स। फर्स्ट, पहला जो यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं,
since they are compelling, deepfakes videos can be used to spread misinformation and propaganda. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और प्रोपेगेंडा क्रिएट करना. दे सीरियसली कॉम्प्रोमाइज द पब्लिक्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन, क्योंकि हमको कभी कभी पता ही नहीं होता कि रियल आवाज क्या है, रियल चेहरा क्या है. तो उस केस में फैक्ट और फिक्शन, जो फिक्शन जो है ही नहीं, उसमें कंपेरिजन करना मुश्किल हो जाता है. सेकेंड, देर हैज बिन अ हिस्ट्री ऑफ यूजिंग डीप फेक्स टू डिपिक्ट समवन इन द कॉम्प्रोमाइजिंग एंड एम्बैरेसिंग सिचुएशन. और ऐसा हुआ भी है इतिहास में कि किसी को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में पोर्ट्रे करा इस डीप फेक की वजह से. फॉर इंस्टेंस, देर इज अ नो डर्थ ऑफ डीप फेक पोर्नोग्राफिक मटीरियल ऑफ सेलिब्रिटीज, जैसा कि हम जानते हैं, समझ चुके हैं, समझा हमने. Now, such photos and videos do not only amount to an invasion of piracy of the people reportedly in those videos, but also be harassment. ठीक है, क्योंकि जब किसी का चेहरा है नहीं, मॉर्फ करके उसको बनाया गया है या डीप फेक यूज करके बनाया गया है, उस केस में ये पता करना मुश्किल है. और लेकिन उस बंदे के लिए हरासमेंट हो जाता है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है. किसी सेलिब्रिटी का चेहरा लगा के अगर आप करते हैं तो उसके लिए भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है और उससे कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं. As technology advances, making such videos will become much easier. Third, deepfakes have been used for financial fraud. Recently, scammers use AI-powered software. जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि यूरोप में केस हुआ जहां पे इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर किया उस बंदे को, जो बंदा ऑलरेडी था ही नहीं, और उसकी आवाज को चेंज करके उनसे फ्रॉड किया गया. तो फाइनेंशियल फ्रॉड भी बड़ा इशू है deepfakes का. Now, as the technology mature, deepfakes could enable individuals to deny the authenticity of genuine content, particularly if it shows them engaging in appropriate or criminal behavior by claiming that it is a deepfake. So, मैंने कहा कि जब deepfake की technology इतनी sharp तरीके से change कर रही है चीजों को, तो आप genuine content में और जो जो डीफेक है उसमें आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे. उससे क्या, तो क्रिमिनल बिहेवियर को प्रमोट करता ही है, बट जब डिफ्रेंशिएशन नहीं रहेगा तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत है. दिस कुड लीड टू अ लायर्स डिविडेंड एज डिस्क्राइब बाय द प्रोफेसर डेनियल कीट्स सिट्रन एंड रॉबर्ट चेंसी. उन्होंने कहा ये लायर्स डिविडेंड है, मतलब झूठ बोलने के लिए एक लाभांश है कि वो गलत चीज क्रिएट कर रहा है और सामने वाला डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहा है. Now, this refers to the idea that individuals can exploit the increasing awareness and prevalence of deepfake technology to their advantage by denying the authenticity of certain content. मतलब वो कह रहे हैं कि this refers to the idea that individual can exploit the increasing awareness, जो ज्यादा awareness फैल रही, जो information ज्यादा है ना, तो उसको exploit करने का एक फायदा मिल गया है deepfake को. जितना ज्यादा access होगा उतना ही ज्यादा scope होगा deepfake करने का, ये वो कहना चाह रहे हैं. Now, अदर कंट्रीज में क्या क्या हो रहा है अब, क्योंकि समस्या हमको पता चल गई, प्रॉब्लम कहाँ है, विक्टिम कौन कौन हो सकते हैं, तो ये पता लगाना चाहिए कि और देशों में ऐसा क्या हो रहा है. क्योंकि यूएस का नाम ऑलरेडी आ चुका है, ईयू का नाम आ रहा है, तो देखने वाली बात है कि एक्चुअली उन्होंने क्या स्टेप लिए. तो यूरोपियन यूनियन हैज एन अपडेट कोड ऑफ प्रैक्टिस टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन. उन्होंने एक कोड बनाया है जिससे डीपफेक को स्प्रेड करने के लिए रोकथाम करी गई है. दिस रिवाइज कोड रिक्वायर्स टेक कंपनीज इंक्लूडिंग गूगल, मेटा एंड ट्विटर टू टेक मेजर्स इन काउंटरिंग डीपफेक्स एंड फेक अकाउंट्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म. मतलब इन सारी कंपनियों पर भी भार है कि इस कोड के चलते आप डीपफेक अकाउंट्स को रोकें या उनको काउंट करें, उनको बंद करके. दे हैव सिक्स मंथ्स टू इंप्लीमेंट देयर मेजर्स वंस दे हैव साइंड अप टू द कोड. और जैसे ही वो कोड को साइन करते हैं कंपनियों के पास 6 महीने होते हैं मेजर्स लेने के लिए. इफ फाउंड नॉन कंप्लाइंट दीज कंपनीज कैन फेस फाइन्स. और अगर वो नहीं इसको फॉलो करते तो उनके ऊपर 6% ऑफ एनुअल ग्लोबल टर्नओवर का उनके ऊपर फाइन लगेगा अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड कोड. ये यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है. इंट्रोड्यूस इन 2018, ये जो कोड है 2018 में अप्लाई किए गए. द कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन ब्रॉट टूगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री प्लेयर्स टू कमिट टू काउंटर डिसइंफॉर्मेशन. और काउंटर डिसइंफॉर्मेशन को कम करने के लिए 2018 में विश्व लेवल के स्तर पर इंडस्ट्रीज में इस कोड को लाया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ये गया यूरोप के देशों के द्वारा. नाउ अब यूएस में क्या हुआ. The US introduced a bipartisan deepfake task force act. उन्होंने ऐसा एक एक्ट पास किया टू असिस्ट द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी टू एनकाउंटर डीपफेक टेक्नोलॉजी. अब जबकि यूएस इन सब चीजों में बहुत ज्यादा आगे रहता ही है, तो वो उन देशों में तो आगे होगा ही होगा, क्योंकि उसके देश में इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करके ज्यादा फ्रॉड बनने की सिचुएशन ये सभी देशों में है, लेकिन यूएस और ईयू में पहले स्टेप उठाए गए. Now the measures direct the DHS to conduct an annual study of deepfakes, access the technology used, track its uses by foreign domestic entities,
और यही नहीं, जो विदेशों के डोमेस्टिक एंटिटीज के द्वारा जो डीफेक क्रिएट किए जाते हैं उनको फॉलो करना और डीफेक को स्टडी करना डीएचएस का काम होगा, एंड कम अप विद अवेलेबल काउंटर मेजर्स टू टैकल द सेम, और काउंटर मेजर्स भी उठाने का मेजरमेंट या स्टेप उनको दिया गया। कैलिफोर्निया और टेक्सास में भी ऐसे लॉ पास किए गए हैं, क्रिमिनलाइज द पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द डीफेक वीडियोज दैट इंटेंट टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ एन इलेक्शन। किसी इलेक्शन को अगर टारगेट करके किसी डीफेक वीडियो या फिर किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया जाए उसको भी इन्फ्लुएंस करने या क्रिमिनलाइज करने के लिए नियम बनाए गए कैलिफोर्निया और टेक्सास में। द लॉ इन वर्जीनिया इम्पोजेस क्रिमिनल पेनल्टीज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कंसेंशुअल डीफेक पोर्नोग्राफी, और लॉ और वर्जीनिया में ऐसा लॉ बनाया गया जो नॉन कंसेंशुअल डीफेक पोर्नोग्राफी को आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है या इस तरह की कोई भी वीडियोज स्प्रेड की जाती हैं। तो ये बात थी यूरोपियन यूनियन और यूएस की। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली सोल्यूशन क्या है, फिर देखेंगे कि इंडिया क्या कर रहा है। ना मीडिया, सबसे पहले जरूरत क्या है हमको, मीडिया लिटरेसी बढ़ाने की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल इस तरह की वीडियोज और ऑडियोज अवेलेबल होंगे, हम सब जानते हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से ही उनको, उनकी लिटरेसी से ही लोगों को अवेयर बनाया जा सकता है जिससे वो इसको कम स्प्रेड करें और उसको डिसकंटिन्यू करें। नाउ वी ऑल्सो नीड मीनिंगफुल रेगुलेशन विच इज अ कोलैबोरेटिव डिस्कशन विद टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सिविल सोसाइटी एंड पॉलिसी मेकर्स टू डेवलप। ये तो है ही, सरकार को मिलकर के, समाज के लोगों को मिलकर के, इंडस्ट्री को इन सब मलिशियस डीफेक्स को रोकने के लिए नियम बनाने चाहिए और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने से बचना चाहिए या उसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। नाउ वी ऑल्सो नीड इजी टू यूज एन एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू डिटेक्ट डीफेक्स, और डीफेक को डिटेक्ट करने की सोल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम उसको डिटेक्ट ही कर लें तो हम मान जाएंगे ना कि वो डीफेक है, क्योंकि अभी द गार्डियन की वेबसाइट पे और बिजनेस इनसाइडर की वेबसाइट पे ऐसे कुछ एग्जाम्पल बताए गए जहां से आप उनको डिटेक्ट कर सकते हो। पर डिटेक्ट करने से पहले सरकार को ऐसा कोई नियम लाना चाहिए, जैसे कि वो ऑनलाइन गेमिंग में ला रही है, कि हम उनको पहले से ही रोकथाम हो जाए तो इसके चांसेस कम होंगे। सपोज करिए कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया तो उस केस में वो क्या करेगा। ना ऑथेंटिकेट मीडिया एंड एम्पलीफाई अथॉरिटेटिव सोर्सेज, और जो अथॉरिटेटिव सोर्सेज हैं उन्हीं से ही इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। नाउ दिस थिंग कैन पॉज बिफोर वी शेयर ऑन सोशल मीडिया एंड बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस इन्फोडेमिक। इसको कहते हैं इन्फोडेमिक, मतलब इन्फॉर्मेशन का संक्रमण, ठीक है, इन्फोडेमिक। तो वो कहना चाह रहे हैं कि थिंक एंड शेयर का भी एक तरीका है जिससे हम लोगों को डीप फेक्स को शेयर करने से या लोगों को इम्पैक्ट होने से बचा सकते हैं। तो ये कुछ सोल्यूशंस हमको दिए गए हैं। अब देखते हैं कि इंडिया के रेफरेंस में क्या है। इंडिया हाउ एवर देर आर नो लीगल रूल्स अगेंस्ट यूजिंग डीप फेक टेक्नोलॉजी। अभी तक डीप फेक के नाम पर कोई लीगल रूल नहीं है। आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट 2000 है, उसके साथ आईपीसी की कुछ धाराएं हैं जो भी हम समझेंगे, बट इस नाम पे कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। ये इस आर्टिकल में जो मैंने आपको शेयर किया था उस पे भी मेंशन किया गया है। हाउएवर स्पेसिफिक लॉस कैन बी एड्रेस फॉर मिसयूजिंग द टेक विच इंक्लूड कॉपीराइट वायलेशन डिफेमेशन एंड साइबर फेलोनीज। इन सबको लेकर के हम स्पेसिफिक लॉस बना सकते हैं, उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है, स्कोप है, बनाना ही चाहिए। Now, अब लेजिस्लेशन की जो जरूरत है वो क्यों है इस आर्टिकल के हिसाब से, क्योंकि ये लिखा गया ही है इकोनॉमिक एडवाइजर कमिटी के चेयरपर्सन के द्वारा, तो इसलिए उनके पास ऑथेंटिक चीज ही होगी शेयर करने के लिए, तो उसको हम समझ सकते हैं। Now, करेंटली वेरी फ्यू provisions अंडर द इंडियन पेनल कोड आईपीसी एंड द आईटी एक्ट 2000 कैन पोटेंशियली इन्वोक टू डील विद द मलिशियस यूज ऑफ डीफेक्स। वो कह रहे हैं बहुत ही कम प्रोविजन है आईपीसी में और आईटी एक्ट में उसको डील करने के लिए। सेशन 500 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स पनिशमेंट ऑफ फॉर डिफेमेशन। 67 ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पनिश सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल इन एक्सप्लिसिट फॉर्म। तो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्सपोजर के मामले में और किसी को डिफेमेशन के मामले में तो नियम है। नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में क्या है, इंक्लूड्स प्रोविजंस प्रोहिबिटिंग द क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग एन इलेक्शन पीरियड। तो 1951 में क्या है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट कोई फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए भी स्टेप है, उसके लिए भी कानून है। बट दीज आर नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है। इसे मैंने आपसे कहा कि आईटी एक्ट हो गया, आईपीसी हो गया और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन में डीप फेक शब्द को यूज करते हुए या उसके उसको रेगुलेट करने के लिए बड़े नियम अभी नहीं है। बट दीज आर नॉट इनफ, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सेट रूल्स दैट रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू गेट
अप्रूवल फॉर ऑल पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ये जो बेसिक नियम है जो अभी तक हम लोग फॉलो करते आए हैं. हाउएवर दीज रूल्स डू नॉट एड्रेस अ पोटेंशियल डेंजर्स पोज बाय द डीप फेक कॉन्टेंट. जैसे कि उन्होंने कहा कि जो बहुत खतरनाक चीजें हैं डीप फेक की, उनको ये एड्रेस नहीं करते ये नियम. अच्छा, दिस इज ऑफन अ लैग बिटवीन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड द इनेक्टमेंट ऑफ लॉ टू एड्रेस द इश्यूज एंड चैलेंज दे क्रिएट. तो इसीलिए जो ये गैप है टेक्नोलॉजी और नियम के बीच में, सो इसको टारगेट करके ही हमको नियम बनाने चाहिए. इन इंडिया द लीगल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू AI इज इनसफिशिएंट टू एडिक्वेटली एड्रेस द वेरियस इश्यूज दैट हैव अराइजन ड्यू टू AI एल्गोरिथम. और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो चीजें हो रही हैं वो इनसफिशियंट हैं, सॉरी जो नियम कायदे कानून है वो इनसफिशियंट है इन सबको डील करने के लिए. पर वो कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बिल जो भी प्रपोज हुआ है कैन ऑल्सो एड्रेस दिस इशू. जो अभी ये डिजिटल इंडिया बिल जो प्रपोज है वो इसको कैटर कर सकता है. और डीप फेक की टेक्नोलॉजी को रिकॉग्नाइज करते हुए हम कोई कमीशन या क्रिमिनल एक्ट बना सकते हैं ताकि इसके प्रोविजंस के माध्यम से डीप फेक को एड्रेस किया जा सके. और एटलीस्ट दैट इज व्हाट लॉर्ड ऑफ फ्लाइज हैज टॉट. जो जिस किताब को वो रेफर कर रहे थे उसमें ये चीजें मेंशन की गई हैं. आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ओरिजिनल पिक्चर है और ये डीप फेक पिक्चर है. और जो ये रियल फेस इस बंदी का ये है और ये ओरिजिनल पिक्चर डीप फेक में फर्क है. तो आप देखिए कि किस तरह इसको मॉर्फ किया गया. अगर आप ध्यान देंगे तो समझेंगे कि हाँ फर्क है, बट अगर आप दूर से इसको देखते हैं और नहीं ध्यान देते हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे. अच्छा, तो इस आप इतना हमने समझा अपने डीफेक के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में, नॉट डीफेक, अपने टॉपिक के बारे में. हमने से रूल्स को डीफेक के खतरे क्या हैं, उसको सॉल्यूशन क्या है और विक्टिम्स कौन कौन हो सकते हैं. अभी तक की इंफॉर्मेशन के आधार पर मैंने आपको समझाया कि डीफेक एक्चुअली क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और उसको इंडिया को क्या स्टेप लेने चाहिए. और अब हम अपनी टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं इसी लेसन के साथ कि ये जो बुक है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो नोबेल प्राइज विनर है विलियम गोल्डिंग के द्वारा लिखी गई है, इसमें ये बात मेंशन की है लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है, इट डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ सेल्फ रेगुलेशन आर नो रेगुलेशन. ध्यान दीजिएगा, सेल्फ रेगुलेशन कोई रेगुलेशन नहीं है. कैन बी डिजास्ट्रस एट टाइम्स, और ये डिजास्ट्रस होता है समय समय पर. दिस लेसन इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन इन इंडिया. और ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भारत में बढ़ रहा है और आगे लेकर के जाएगा, उसके लिए एक खतरनाक, उसके लिए बिल्कुल सही बात है. और जहां तक डीप फेक की बात है उसके लिए अच्छे कानून गवर्नमेंट को आगे लेकर के आने चाहिए, आएंगे आई एम प्रिटी श्योर. क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट लेकर आई है, क्योंकि उसको भी चलते हुए बहुत चीजें साउथ में हो रही थी और ये डिजास्टर्स भी है, तो उस पर नियम आ रहा है. तो नेक्स्ट जो अब ऑप्शन होगा वो डीप फेक का होगा, इसके ऊपर सरकार धावा बोलेगी. तो UPSC के आस्पेक्ट से ये टॉपिक है डीप फेक का इंपॉर्टेंट होने वाला है मेंस और प्री दोनों के लिहाज से. इसलिए मैंने आपको ये सारे कंटेंट शेयर करे. आई होप कि आपको पसंद आए होंगे. सो अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मिलेंगे एक नेक्स्ट अच्छे टॉपिक में अगले वीकेंड पे. तब तक तैयारी करते रहिए.